बलरामपुर जिला में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। चांदो थाना क्षेत्र का मामला है। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। थाना चांदो क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले प्रार्थी डेविड यादव, रविंद्र नागेश और वीर कुमार नागेशिया ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर में शिकायत दर्ज कराया कि श्रीमती कमली देवी निवासी ग्राम घोड़ासोत थाना चांदो और कुबेर तिवारी निवासी अंबिकापुर के द्वारा विश्रामपुर जिला सूरजपुर स्थित कोल माइंस में स्थायी नौकरी दिलाने के नाम से तीनों से एक एक लाख रुपए और ऑनलाइन के माध्यम से भी लिया गया था। इसे लेने के बाद धोखाधड़ी कर दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त शिकायत पर थाना चांदो में जांच किया गया। जांच में आरोपियों के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर एक एक लाख रुपए कुल 3 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद आरोपी पर धारा 420, 34 भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी कुबेर तिवारी पिता ओम प्रकाश तिवारी उम्र 26 साल निवासी डिगमा अंबिकापुर की लगातार पतासाजी की जा रही थी। टीम के द्वारा रायगढ़ में घेराबंदी कर आरोपी कुबेर तिवारी को पकड़ा गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलरामपुर के समक्ष पेश की गई, जहां से न्यायालय के आदेश पर आरोपी कुबेर तिवारी पिता ओम प्रकाश तिवारी निवासी अंबिकापुर को जिला जेल रामानुजगंज भेज दी गई।